मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका तीसरा वचन में यीशु मसीह के शिष्यों ने उससे पूछा, तेरे आने और युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। बहुत से मसीह लोग जानते हैं कि यीशु ने वैश्विक संकेतों और घटनाओं की चर्चा के साथ जवाब दी थी जो सूचना करेगी कि इस युग का अंत और यीशु का वापसी निकट है। इस कारण इस दुनिया की स्थितियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में प्रभु ने भविष्यवाणियां किया था। लेकिन बहुत कम मसीह लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के बारे में स्पष्ट चेतावनियां दी। इन चेतावनियों में सब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है। हमारे समय के चिन्हों से यह संकेत मिलता है कि हम अब इस वर्तमान युग के अंतिम वर्षों में जी रहे हैं। सभी विश्वासियों को यीशु की चेतावनियों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भविष्य इन चेतावनियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। कई बार चेलों के ये प्रश्न को भी लोग इस प्रकार से गलत समझते हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, जबकि चेलों ने यह नहीं पूछ रहा था कि पृथ्वी का अंत कब होगा, लेकिन चेले जानना चाहते थे कि यह वर्तमान युग कब समाप्त होगा और मसीह के शासन का युग कब शुरू होगा। यीशु मसीह ने भी इसी विषय में चेलों को दृष्टांत के रूप में चेतावनी दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि उन तीन चेतावनियां कौन सी है। सबसे पहला है, मसीह की वापसी का समय सभी को चकित कर देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 42वां वचन में मसीह ने चेतावनी दी कि इस युग के अंत में उनके चेलों को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु की वापसी का समय को हम नहीं जान पाएंगे। वह अपनी वापसी की तुलना एक घर में चोर के आकस्मिक आगमन के साथ करता है, और यीशु कहता है कि यदि वह गृहस्वामी को चोर के आने का समय पता होता तो वह उस घटना के लिए पर्याप्त तैयारी करता। मसीह ने अपने लोगों को न केवल तैयार रहने के लिए बल्कि यह महसूस करने के लिए भी चेतावनी देता है कि ऐसी घड़ी जो हम सोचते तक नहीं मनुष्य का पुत्र आता है। इस कारण चारों तरफ की घटनाओं को ध्यानपूर्ण समझकर हमें जागते हुए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी चेतावनी है, मसीह की वापसी की तैयारी करने के बजाय मसीह लोग आपस में झगड़ रहे होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45 से 51 वचन में यीशु का दूसरे आगमन की चेतावनी है। वो अपनी चेलों की तुलना उन दासों से करता है जो अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी कुछ सेवकों के व्यवहार में कुछ बदलाव हो जाती है, लेकिन उनके वफादार सेवक लोग जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें यीशु लौटते समय आदर किया जाता है। कुछ सेवक लोगों का व्यवहार बिगड़ने का मुख्य कारण उनकी सोच थी, क्योंकि उनका सोच यह था कि उनके मालिक वे आने में देरी होगी। उसका मतलब यह है कि वे सोचते थे कि उनके पास प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए बहुत समय है। वे लोग फिर अपने मालिक को प्रसन्न करने के बजाय अपने संगी सेवकों को पीटने लगते हैं और पियक्कड़ के साथ खाते पीते हैं। और तीसरी चेतावनी यह है, यीशु के आगमन उनकी चेलों की अपेक्षा से जल्दी होगी। यह चेतावनी मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 वचन में 10 कुआरियों की दृष्टांत में बताया गया है। इस दृष्टांत सब जानते हैं कि 10 कुआरियों में 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि थे, जिनके पास अपने दुल्हा से भेंट करने के लिए पर्याप्त तेल नहीं रखा था। इस तेल हमारी जीवन की पवित्रताई और परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। लेकिन इस दृष्टांत की ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी कुआरियां आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दुल्हा जितना सोचा जा सकता था उससे कहीं अधिक जल्दी लौट आता है। बुद्धिमान और निर्बुद्धि दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह हमें ऐसी चेतावनी देता है कि हम भी यीशु के आगमन के विषय में आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच से पहले ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा।